हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, जागरूक टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हूं आपके साथ रोशनी विश्वकर्मा। आज की खबर कुछ इस तरह से है। बाड़मेर में स्वतंत्रता दिवस पर राजस्व राज्य मंत्री ने किया ध्वजारोहण। बाड़मेर में स्वतंत्रता दिवस का समारोह जिले भर में हर्षोल्लास एवं देशभक्ति का माहौल नजर आया। जिला कलेक्टर कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते, जिला परिषद में जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल, सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय में उप महानिरीक्षक गुरपाल सिंह, जिला पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह आदर्श स्टेडियम में हर्षोल्लास से आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि राजस्व राज्य मंत्री अमरा राम चौधरी ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया तथा उसके बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके पश्चात परेड कमांडर पुलिस निरीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में बीएसएफ राजस्थान पुलिस, राजस्थान महिला पुलिस, अर्बन होम गार्ड, सीनियर एवं जूनियर एनसीसी दल, स्टूडेंट पुलिस दल, एनसीसी स्वयंसेवक दल और स्काउट दल की टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। मार्च पास के पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार राज्यपाल के संदेश का पठन किया। इस दौरान स्थानीय शिक्षण संस्थान के लगभग 1500 बालक बालिकाओं ने सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। इन्हीं बालक बालिकाओं की ओर से सामूहिक गान आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के हम बच्चे हिंदुस्तान के की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा स्थानीय शिक्षण संस्थानों के लगभग 100 बाल चरणों ने आकर्षक पिरामिड का प्रदर्शन किया। उद्बोधन के उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्य समारोह के दौरान ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, देशभक्ति गीत और विभिन्न विद्यालयों की बालिकाओं की ओर से सामूहिक लोक नृत्य गीत आओ नि पधारो मारे देश की प्रस्तुति दी गई। इसके उपरांत विभिन्न शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी विभागों की ओर से तैयार मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। राजस्थान और देश की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।